कोई भी किसी भी मुल्क की बात को देखना चाहता है, इसकी तवारीख को देखना चाहता है, वो हर एक देश की वेबसाइट को ऑन कर सकता है और देख सकता है। अब हम धोखे की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, ना हम किसी को धोखे की जिंदगी गुजारने की इजाजत। यहां से कहीं लोग आए जिन्होंने मुझसे मुलाकात की, और जब इस कसर इलाके की दास्तान सुनाई, मैं समझता हूं यहां के लोग पहले से ही सोए हुए थे, अभी भी सोए हुए थे। आपके वोट के बगैर भी एमएलए बने, आपके वोट के बगैर भी सरपंच वार्ड मेंबर बने, आपके वोट के बगैर भी डीडीसी मेंबर बना। जो मेरे नौजवान इस इलाके के, अगर एक लीडर के पास जाते हैं, इनसे कहा जाता है कि आप वोट नहीं डालते हो, आपको हक मेरे बाप ने भी मजदूरी की, मेरे दादा ने भी मजदूरी की, बच्चे के बच्चे ने की, और ये तारीख चल। आप इस इलाके में पानी से महरूम है, 50 सालों से अगर आप पानी से महरूम है तो क्यों, क्या आप इस लिंगेज कंस्टिट्यूंसी के हिस्सेदार नहीं हो? अगर इस इलाके में हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, क्या इनको रोजगार का हक नहीं? क्या हमने इनको इसलिए खड़ा किया, या इसलिए पैदा किया, या इसलिए पढ़ाया कि ये रोडों पर निकल के कतलों करें, ये अपनी जिंदगी बर्बाद करें और जेलों में जाके हमारे जो पीछे माँ बाप का हाल होता है वो वही जानता है जिसका बेटा जेल में होगा। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा के फिर हमें किसी डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन चाहिए? हजार बार आदमी सोचता है मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हम आईन को मानने वाले लोग हैं। महरूम है तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग जिनके दुकान चल रहे थे, जिन्होंने हमारी बुजुर्गो अगर आप बिजली से आज भी महरूम है, ये आप लोगों की बदनसीबी। अगर आज भी आप तालीम से महरूम है तो ये आपकी बदनसीबी है। अगर आज भी आप रोडों से महरूम है तो ये आपकी बदनसीबी है। आप खुद अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। सालों में बहुत कुछ खोया, बहुत सारी जिंदगियां तो वीरान हो गई, बहुत सारे खानदान तो उजड़ गए, बहुत सारी बस्तियां तो वीरान हो गई, मगर ये उन मकार सियासतदानों की वजह से हुआ जिन्होंने हमारे जहन हमारे इलाके को तबाह करके रख दिया। बेमंजर किसी झूठ को नहीं लाया गया, बेमंजर किसी इंसान को नहीं पैदा किया गया, किसी मकसद के लिए हम इस दुनिया में आ गए। हमारा एक ही मकसद है कि आवाम को उजागर करना, सोए हुए लोगों को जगाना, और इनके हुए हुकूम के लिए हर हर जगह आवाज।
मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको अपने इस हल्के को आगे बढ़ाना है, अपने नौजवानों के बारे में सोचना, आप कदम बढ़ाकर अपनी शरीयत की हिफाजत करें, हम अपने कुरान की भी हिफाजत करें, अपने मुसलमान भाई भाई की हिफाजत करें, ये हमारा हक है। मगर मौत भी हमारा हक है, हम सोच समझ कर, अगर आज तक हमारे साथ इस मिसाल हुआ, अब हम इस मिसाल को नहीं भूले दिए, हम खुद कदम बढ़ाएंगे। आज तक हमने इलाकाई पार्टियों को वोट दिया जिन्होंने हमारा वोट श्रीनगर पूछा कर भेज दिया, आज हम खुद अपने वोट को भेज देंगे तो नगर के साथ जुड़ जाए, इन नौजवानों को भी फायदा होगा और आपसे वादा है इस इलाके को जन्नत का नसीब बनाने के लिए कोशिश करेंगे। Yes.